जनवरी 26, 2017, शाम 6:18। युवराज को इतनी देर से चल रही बेसिर पैर की बहस अब और बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसने एक गहरी सांस ली और पीछे बहती हुई नदी की तरफ मुड़ गया। इस घनघोर अंधेरे में सिर्फ एक वो नदी ही थी जो शांत मालूम पड़ रही थी, जिसमें कोई बहाव नहीं था। युवराज ने एक सिगरेट जलाई और एक लंबा कश खींचा। देखो, मुझे गलत मत समझो, जैसा तुमने कहा ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम भी जरा ठंडे दिमाग से सोचो, भला ऐसा हो सकता है क्या? मैं ये सब कर सकता हूं? देखो, मैं ऐसा आदमी नहीं हूं। युवराज ये कह ही रहा था कि अचानक उसके सिर पर जोर से वार हुआ। युवराज को एक पल को ऐसा लगा मानो खोपड़ी के अंदर का एक एक पुर्जा झनझना उठा हो। इससे पहले कि युवराज अपने हमलावर को रोकने के लिए मुड़ता, उस पर दूसरा वार हुआ। अब युवराज को अपने सिर से बहते हुए खून की गर्माहट महसूस हो रही थी। तभी एक और वार, और उस वार के साथ ही उसकी आंखों के सामने गहरा अंधेरा छा गया। अधमरी हालत में भी युवराज को यही ख्याल आता रहा कि आखिर उसके साथ ये सब क्यों हो रहा था। उसने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था मानो किसी ने उसकी पूरी जिंदगी की कहानी एक फिल्म की तरह उसके सामने चला दी हो। उसका बचपन, उसके माता पिता, बहन, दोस्त, उसके अधूरे सपने, सब धीरे धीरे कहीं उससे पीछे छूटते जा रहे थे। वो अंदर से रो रहा था पर बाहर आंसुओं का कोई नामो निशान नहीं था। था तो सिर्फ चेहरे पर फैलता हुआ लाल खून। युवराज पर तब तक वार होते रहे जब तक उसने अपना दम नहीं तोड़ दिया। फिर उसके कातिल ने वहीं नदी के पास उसकी कब्र खोदी और युवराज के बेजान शरीर को दफनाकर वहां से चला गया। 3 फरवरी 2017, 4:00। आखिरकार गिरिराज धरकर को हाईवे के उस पार कहीं खत्म न होने वाले उजाड़ में दूर कुछ घर दिखाई दिए। उसने उन घरों के पास पहुंचकर जोर से कार का ब्रेक दबाया, जिससे पहिए नीचे की कच्ची जमीन पर घिसे और धूल मिट्टी का एक गुबार सा उठ गया। गिरी मन ही मन मुस्कुराया और अपने आप को शाबाशी देते हुए बोला, बड़ी धांसू एंट्री मारी है आपने शर्लॉक साहब। उसने कार का दरवाजा खोला लेकिन अगले ही पल कुछ सोचकर रुक गया। जैसे जैसे धूल बैठती गई, गिरी को सामने का दृश्य साफ दिखाई देने लगा। एक बड़े से गेट के ऊपर बड़े बड़े शब्दों में अंग्रेजी में लिखा हुआ था, नेचर्स लैब। अगर मेरी कैलकुलेशन सही है तो सारे सवालों के जवाब मुझे इधर ही मिल जाएंगे। गिरी को गेट के उस पार बहुत सारे घर दिखाई दिए। उसने अपनी डायरी में नोट किया कि नेचर्स लैब करीबन 50 एकड़ जमीन पर बना था और उसमें करीब 12 विला थे। उसने ये भी नोट किया कि उन 12 घरों में 2 या 3 ही ऐसे थे जो ठीक ठाक हालत में लग रहे थे। बाकी के घरों का बुरा हाल ये साफ बता रहा था कि नेचर्स लैब की देखरेख ठीक से नहीं हो रही थी। जब गिरी ने नजर डायरी से वापस गेट पर डाली तो उसका दिल धक से रह गया।